मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में आग लगने से स्क्रब की गोदाम जलकर राख हो गया। बता दें घटना से मचा हड़कंप। परिजनों ने बताया कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें देर रात को अहियापुर थाना क्षेत्र के SKMCH मेडिकल कॉलेज के पास चंदन बखड़े गांव में अचानक आग की लपटें उठने लगी। स्क्रब का गोदाम था और कई घर में जलकर राख हो गया। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो गया। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के तुर्की पथ में अजीजपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर के तार से निकले चिंगारे से एक पिकअप पर लोड आने का मामला सामने आया, जहां पिकअप पर लोड घर में लगी आग से पिकअप जलकर राख हो गई। पिकअप के चालक ने सड़क से हटकर उच्च विद्यालय अजीजपुर के खेल प्रांगण में, जहां ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद भी पिकअप पूरी तरह जल गई। बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां एक सामान लेकर जा रही पिकअप में अचानक आग लगी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनंद फाने में पिकअप के एक चालक ने पिकअप को निकालकर एक स्कूल के मैदान ले गया, जहां पर ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें लगातार उठने लगी और पूरी पिकअप जलकर राख हो गई। बाद में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं मौके पर सरैया थाना क्षेत्र के सकरी सरैया मुख्य मार्ग के समीप अजीतपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बिहार में जातीय राजनीति का अहम योगदान होता दिख रहा है। तो कोई नेता तो वो अपने समाज की सक्रियता के अनुसार राजनीति में अपनी भागीदारी स्थापित कर रहा है, तो वहीं अपनी मांग भी जाति आधार पर सरकार से मनवाने की कोशिश की जा रही है। मोतिहारी में भी कुम्हार समाज के द्वारा जातीय गोलबंदी पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के द्वारा शहर के अवधेश चौक स्थित निजी होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संगठन के प्रदेश महामंत्री अधिवक्ता चंद्रभूषण पंडित मौजूद रहे। साथ ही बिहार के संगठनों ने नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरेंद्र पंडित ने की। तो वहीं बता दें इस कार्यक्रम का दो मकसद था। पहला तो एक तो संगठन मजबूत करना और दूसरा सरकार के समक्ष पूर्व में रखे गए मांगों को मनवाना। इसी मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रभूषण पंडित ने कहा कि पूरे बिहार में लगभग 90,000 की आबादी है। इसी मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रभूषण पंडित ने कहा कि पूरे बिहार में लगभग 90,000 की आबादी है। कुम्हार जाति का होने के बावजूद सरकार बार बार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। साथ ही कुम्हार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग भी वर्षों से लंबित है। साथ साथ चाहे विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो या लोकसभा, कहीं ना कहीं समुदाय को जगह नहीं दी गई है और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अब संगठन पहले से ज्यादा धारदार तरीके से अपनी मांग को उठा रहा है। खबर मोतिहारी से है, जहां मोतिहारी के चकिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह के पुत्र रजनीश कुमार की सकुशल घर वापसी से आसपास के लोग खुश हैं। स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव ने रजनीश के घर जाकर कुशल क्षेम जाना, तो वहीं अंगवस्त्र भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यूक्रेन से लौटे छात्र रजनीश ने बताया कि 24 तारीख को पहली बार सुबह 4:45 बजे धमाकों की आवाज आई। उसके बाद उन्होंने अपने निवास से कुछ ही दूरी पर मेट्रो स्टेशन में बंकर में शरण ली, जहां 2 दिन रहने के बाद मेट्रो स्टेशन का दरवाजा बंद होने की सूचना पर उन्होंने दूसरी जगह शरण ली, जहां से यूक्रेन बॉर्डर चौक पर जाने के लिए उन लोगों ने टैक्सी का सहारा लिया। वहां मौजूद भारतीय एमएनसी के लोगों ने उन लोगों से संपर्क किया। बुडापेस्ट से 3 मार्च को सभी ने मुंबई की उड़ान भरी और इधर बेटे के घर वापसी से मां अलका देवी की खुशी सातवें आसमान पर है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। सबसे पहले हम आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देंगे, शुभकामना देंगे कि हमारे परिवार के सभी बच्चे जो यूक्रेन में थे वह सुरक्षित अपने घर लौट रहे हैं। और मोदी जी को बधाई देना चाहेंगे इसलिए कि पूरे विश्व में जो भारत देश है उनको शक्तिशाली बनाए हैं और यह प्रमाण है कि अपने मुल्क के बच्चों को निकलने के लिए 6 घंटा तक युद्ध रोकवाने का काम किए, यह मोदी जी के कार्य का जो है सो परिणाम दिख रहा है। इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बेतिया से है, जहां आशिकी में पुराने आशिक शातिर अपराधी गुड्डू अंसारी ने किन्नर और उसके प्रेमी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा, जबकि 3 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। जख्मी की पहचान ITI मोहल्ले के पंडिताई किन्नर में लालगढ़ निवासी अनुल मिया
24 वर्षीय पुत्र सद्दाम हुसैन के रूप में हुई है जख्मी हालत में। पंडिताइन किन्नर व सद्दाम को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इलाज कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि पंडिताइन को बाएं जांघ और सद्दाम को पीछे कमर में गोली लगी तो गोली निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाश गुड्डू अंसारी अपने सहयोगियों के साथ आईटीए मोहल्ले में पहुंच गया, जहां पंडिताइन किन्नर रहती थी। वहां पहुंचने के बाद उसने पंडिताइन में सद्दाम को गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जबकि अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। जख्मी हालत में पंडिताइन व सद्दाम को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, शातिर गुड्डू अंसारी पंडिताइन किन्नर से प्रेम करता था और उसके साथ काफी प्रगाढ़ संबंध था, लेकिन 2 साल पहले दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। उसके बाद पंडिताइन सद्दाम के साथ रहने लगे। इसी बात से खारकाई गुड्डू ने एक बड़ा कदम उठाया और कहा जा रहा है कि आशिक ऐसी थी कि उसने दोनों की गोली मारकर हत्या करने की धमकी तक दी थी, और इसको लेकर ही शात्र ने अपने सहयोगियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा हमारा इंडिया, इसको लेकर स्लम एरिया बच्चों को अब शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गरीब और स्लम एरिया के बच्चों के लिए शिक्षा की अहमियत को जोर देने का एक प्रयास किया गया, जहां मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में स्कूल में नामांकन और शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इससे मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, और इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना भी जरूरी है, और शिक्षित व्यक्ति देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और इसको लेकर भी मंच के द्वारा लगातार अब अपने शहर में शिक्षा जागरूकता नाटक, लोकगीत, पठन सामग्री देकर जागरूक किया जा रहा है। मार्च महीने में स्कूल में नामांकन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे एक प्रयास मंच भी इस अभियान में जुटा है। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रवेशोत्सव का आधारित लोकगीत के द्वारा शहर के स्लम बस्ती व अन्य बस्ती में जाकर जागरूक कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित ना रहे। और इसको लेकर लगातार परिवार को भी जागरूक किया जा रहा है, साथ ही लोगों को आरटीए शिक्षा के अधिकार के बारे में भी बताया जा रहा है। हर प्राइवेट स्कूल में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कुल 25% बच्चों को निशुल्क नामांकन करा सकते हैं। वहीं मंच के द्वारा स्कूल में नामांकन पर आधारित लोकगीत भी पेश किया जा रहा है, जिसके बोल है, पापा खेलब नईखे माटी और धूल में पड़े जायब स्कूल में गाकर जागरूक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों को पाठन सामग्री भी वितरित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूल भेजा जा सके।